मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है मेक 1 बिलियन में। ये मेरा हमारा टारगेट है कि हम सब इतना कमा सकें तभी हमारी जिंदगी काफी अच्छी रह सकती है। जरूरी नहीं है, डिपेंड्स कि आपकी लाइफ में कितनी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर, बट ये हमारा टारगेट कि मेक 1 बिलियन। इसमें हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं जिससे आप न्यू सोर्स ऑफ इनकम देख सकें और आप भी वैसे कर सकें। तो आज आपको पता ही कि पहला वीडियो हमेशा 5 शेयर्स 300 डेज का रहता है जिसकी सीरीज में आज हम चलेंगे और 500-300 शेयर्स को देखेंगे। बट बिफोर आगे बढ़ने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे हम लोग साथ में काम कर सकते हैं वो हमारे लिए हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि साथ में काम करके ही काफी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये सब पूरे वीडियोस हैं, अगर आप चाहो तो पुराने फीडबैक दे सकते हो। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, 5 शेयर 300 डेज का मतलब क्या है कि मैं 5 शेयर अप्रोक्सीमेटली बाई करता हूँ। जब भी बाई करूँ, मैं ऐसा नहीं कि रेगुलर एवरी डे बाई करता हूँ, बट ऑन एवरेज ट्राई करता हूँ कि मैं बाई करूँ। साथ में इनमें प्रोजेक्ट 1 है जिसका आज 22वां दिन हो चुका है, मतलब 22 दिन हो चुके हैं तो 23वां दिन रहेगा। कल 22 था तो आज 23 दिन है। तो इसमें मेरा टारगेट है कि आपको 300 दिन के अंदर आप मिनिमम 10% कैसे कमा सकते हैं। काफी शेयर्स का अप एंड डाउन सब कुछ एक्सेल शीट में दिखाता रहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और अगर कोई भी सजेशन है तो उनका हमेशा वेलकम है। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर यही बोलना चाहूंगा कि पैसा आपका है तो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की ओन रिसर्च कीजिए क्योंकि आपका जो दिल कहेगा, आपकी जो रिसर्च कहेगी वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी किसी थर्ड से। तो लेकिन मेरा भी वही है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये 5 शेयर लेना चाहिए और उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करूँ। मैं अपने पहले पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ और आपके पास जब ये वीडियो आता है तो कम से कम आधे से 1 घंटे का डिले होके आता है। तो आप उतने देर में अगर चाहो तो आप उन 5 शेयर में से कोई भी खरीद सकते हो जो मैंने प्राइस दी हुई है। तो अभी हम शुरू करेंगे। इसमें यही रहेगा कि पहले मैं समरी शीट पर डिस्कस करूंगा, फिर आज के 5 शेयर आपको बताए जाएंगे। कल मैंने 5 शेयर नहीं बताए थे, आज बताऊंगा। जीटीटी शेयर की जो जीटीटी का ऑप्शन है जीरोधा में, और जीरोधा का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप वहां से ओपन कर सकते हैं। और पोजीशन मतलब जो शेयर आज मैंने 5 खरीदे उनकी क्या पोजीशन है अभी 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में। टॉप 10 होल्डिंग्स दिखाऊंगा कि उनमें कितना प्रॉफिट हुआ है और वो कौन से हैं। आप उसमें से भी चाहे तो कोई चूज कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि बेटर रहेगा कि आप 5 शेयर वाला जो सजेशन है उससे ही बाई करें। प्रॉफिट एंड लॉस दिस मंथ दिखाऊंगा, ये भी एक आया था कि भाई आप कितना कमा ले रहे हो, आपका कितना आया है वो भी आप दिखाते रहो। और एक्सेल शीट में तो लोग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ऐसा किसी ने बोला था तो मैंने कहा कि ठीक है, आई विल स्टार्ट, मैं आपको ये दिखाना चालू कर दूंगा कि मैं कितना बना रहा हूँ मेरे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे ही। तो वो तो ऑथेंटिक ही रहेगा और साथ में एक स्टॉक को हम लोग किसी भी पकड़ेंगे और उसको चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन, क्या लोग बोल रहे हैं, कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, उसमें किसका कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं वहाँ पे, 8-10 पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो 8-10 पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी हम लोग ये शुरू करते हैं। इसमें ही आपके ये मेरी एक शीट ओपन ही है आपकी, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं छोटा करता हूं और इसमें कई शेयर हैं ऐसे हैं जो इस वीक में अभी कल और आज में वो 10% क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं यहां पे केवल 10% वालों के ऊपर ही जाता हूं सीधे, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा कि कौन से शेयर ने कितना परफॉर्म कर लिया। तो आप सबसे पहला मेरा MRPL हुआ था, बट अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट, ज्योति लैब्स, बैंक ऑफ बड़ौदा आज एक्चुअली अभी जो प्राइस है उस हिसाब से 12% के ऊपर चला गया है, वो 12% के ऊपर। गुजरात नर्मदा GNFC हो गया। अब हम इस पे देखते हैं कि इन्होंने कितने दिन में ही अचीव किया है। अब देखिए, इन्होंने 23 दिन के अंदर ये टारगेट अचीव कर लिया है 10% का, 23 दिन के अंदर। और ये 23 दिन के अंदर अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। आप, मैं तो फिर भी 300 दिन बोल रहा हूँ, 300 दिन की जगह पे 23 दिन में इन्होंने 10% अचीव कर लिए हैं। तो ये तो हो गया कि किसने 10% अचीव किया है इनको, लेकिन सबको मैंने GTT पे लगा दिया। MRPL को छोड़ के ज्योति लैब, एशियन और बैंक ऑफ बड़ौदा, गुजरात नर्मदा, GNFC को मैंने GTT में लगा दिया है। अब जब वो बिकना होगा 9-10% के ऊपर ही बिक जाएंगे वो। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं और हम आज देखते हैं, जैसा मैं हमेशा बोला है कि देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस किसका है। सबसे ज्यादा बुरा परफॉर्मेंस वाले 2 शेयर को ओपन करते हैं, 37% और 17%। 37% GMM है, GMM ने बुरा परफॉर्मेंस नहीं किया है एक्चुअली, उसने स्प्लिट किया है और वो अभी तक ऐड होने को बाकी है मेरे इसमें।
तो फिलहाल मैंने चार क्वांटिटी है मेरे पास, दो क्वांटिटी पहले ही थी, कल एक मतलब लास्ट वीक में मैंने एक लिया था और कल भी मैंने एक लिया था, कल या परसों लिया था मैंने जीएम को, जीएम का वन शेयर, तो उसको ऐड कर दिया है और -37% है। हिंडाल्को -17% है, गुड स्टॉक टू बाई, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। इसके पुराने स्टॉक मेरे पास काफी ज्यादा प्राइस पे थे और वो किए हैं, तो इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि आपको ऑलरेडी ये प्रीमियम प्राइस में मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि कौन ज्यादा क्लोज है। देखिए 10% वाले तो हम लोग देख ही चुके हैं, करेक्ट, 10% वाले तो देख चुके हैं, तो हम टॉप टॉप थ्री देख लेते हैं परसेंटेज वाइज कि कौन है जो टॉप थ्री में चल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं महिंद्रा, महिंद्रा इसको खरीदे हुए मुझे 23 दिन हो चुके हैं। ये जब मैंने खरीदा था तो वो 52 वीक के हाई वाले पोर्टफोलियो पे चल रहा था, बट फिर भी आप देखिए उसके बावजूद उसे 7% दिया है। अजंता फार्मा 6 दिन ही हुए हैं और 9.764 के करीब आ गया है, और क्या भरोसा अभी नीचे वो मतलब अंदर वो पहुंच भी चुका उस लेवल पे 10% के, लेकिन जैसे ही मैंने आपको बोला ना 10% पे जैसे ही पहुंचेगा मैं उसको जीटीटी लगा देता हूँ। माइंडट्री 8% पे पहुंच चुका है विदिन अ 5 डेज, तो 6 से 7 दिन में मुझे 10% कमाने का मौका मिल रहा है, तो मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। और ये तो यहाँ तक का हो गया, तो चलिए आज के शेयर देखते हैं कि आज के शेयर कौन से हैं जो हमें बाई करने हैं। ठीक है, मैं अंडू ही करूंगा क्योंकि बेटर रहेगा कि आपको दिखा सकूं कि क्या हो रहा है। ONGC, ठीक है, पहला शेयर जो आज का है वो ONGC मैंने लिया है, 5 क्वांटिटी ली है ONGC की। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो ONGC और रिलायंस काफी मैंने कर दे हैं इस बीच में, तो ONGC आज 5% के करीब हाई भी बढ़ा, उसके बावजूद मैंने इसको 5% प्रीमियम में खरीदा है। अगर आपने पहले जब मैंने आपको 2-3 बार पहले रिकमेंड किया था तब खरीदा होता तो आज के टाइम पे आप अप्रोक्सीमेटली 10% प्रॉफिट में होते, आप बुक कर चुके। तो मेरे पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था इसलिए मेरा अभी भी ONGC निगेटिव है। तो दूसरा मेरा स्टॉक है रिलायंस है, रिलायंस को भी आज खरीदा है मैंने, 4 स्टॉक लिए हैं, करीबन अप्रोक्सीमेटली 10,000 का इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा शेयर है आइडिया, आइडिया के मैंने 20 शेयर लिए हैं, आइडिया ने भी अच्छा खासा कर रहा है, रिकवर कर रहा है मेरे पुराने बाइंग को। चौथा शेयर है आज के टाइम पे वेदांता, वेदांता ने अच्छा खासा रिटर्न किया है, फिर रिमेम्बर तो वेदांता सबसे ज्यादा मेरा निगेटिव रहता था और अब जाके वो पॉजिटिव के करीब पहुंचने वाला है, जल्द ही वो क्लोज भी कर लेगा मुझे लगता है। पांचवा है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप जरूर खरीदिए क्योंकि काफी चीजें चल रही हैं स्टील इंडस्ट्री में जिसका फर्क कहीं ना कहीं सेल के कारण हमें भी मिलेगा और हमें उसका फायदा हो सकता है। उसके 3 स्टॉक मैंने ऐड किए 75 रुपीज के, जो कि टोटल 225 रुपीज है। तो आज के 5 स्टॉक यही हैं मेरे, ONGC, रिलायंस, आइडिया, VEDL, सेल। आप इनमें से कोई भी स्टॉक ले सकते हैं या पांचों ले सकते हैं, क्वांटिटी आपके ऊपर है, पैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक एक लेके रखूं तब भी आपको फायदा होगा क्योंकि इन सबके डिविडेंड भी आते रहते हैं, तो अच्छा खासा डिविडेंड भी रहते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम साइड पे सीधे जाते हैं कि क्या चल रहा है, मैंने जो लिया था और आप देख सकते हैं GTT का ऑप्शन, GTT मैंने लगाए थे तो उन शेयर्स पे लगाए हैं जो 10% से ऊपर हैं, तो आपको ये पूरे शेयर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अदानी है, GNFC है, एशियन पेंट है, IPCA, FL, बजाज ऑटो, AIG, ज्योति लैब, डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों है। और मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार लगा दो तो उनको 2 से 3% के बीच में ही रखता हूँ शेयर की प्राइस को, क्योंकि बीच में जैसे आपको इंडस टावर का याद होगा, इंडस टावर को मैंने एक्चुअली 3 से 4% रखा था, उस चक्कर में वो 7% के अप्रोक्सीमेटली ही बिक गया, तो वो सही नहीं है। मुझे मेरा टारगेट 10% का, तो मैं ट्राई करूंगा कि 10% तक का आपको दे सकूं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आज के शेयर मैंने खरीदे हैं आइडिया, ONGC, रिलायंस, सेल एंड VEDL, आप उनको देख सकते हो कि मैंने 20, 5, 4, 3, 3 क्वांटिटी खरीदी है और सेम मैंने आपको एक्सेल शीट में भी दिखाई, और ये मेरा शेयर बिक चुका है तो लिव इट, ये करीबन 15 से 20% के करीब प्रॉफिट में बिक चुका है। ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, आप देखोगे तो 400 का ही था, 400 में निकल जाता है 10%, 40-50 रुपए, ठीक है। अभी फिलहाल ये मेरे पेनी स्टॉक थे, इनकी क्वांटिटी बढ़ाता रहता हूँ बट आई जस्ट चेकिंग कि क्या हो रहा है इनका। अपार्ट फ्रॉम दैट होल्डिंग्स अगर आप देखोगे, टॉप होल्डिंग्स मेरी, तो टॉप होल्डिंग्स ये हैं, अपोलो टायर 17% करीब बढ़ा है, PC ज्वेलर्स 15% बढ़ा है, 5% रोज बढ़ रहा है, ये आज बिक गया। GNFC अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बोला था कि ये GNFC मैंने पहले वीक में यानी 22 या 23 दिन पहले लिया था, ज्योति लैब और GNFC दोनों है, तो आप देख सकते हैं ये 10% पे मैंने किया था और ये दोनों 13-13% अब जा चुके हैं। अदानी इंटरप्राइज जा चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा 11% है, तो
आप ये देख सकते हो कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा भी लिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एशियन पेंट्स जो हमारा स्टॉक लिया हुआ था, आईपीसी लैब नहीं लिया था, माइंडट्री नहीं लिया था, माइंडट्री भी 11% पहुंच चुका है। आप देख लो पहुंच गया, माइंडट्री तो 11% पहुंच गया। फेडरल बैंक भी 10% क्रॉस कर चुका है एंड सॉरी मिंट कॉर्प भी कर चुका है क्रॉस। AI इंजीनियरिंग, कल जब मैंने GM की बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला था कि AI इंजीनियरिंग भी ऑलरेडी मेरे पास एक ही स्टॉक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2400 का स्टॉक था, 200 है, जो ऑलरेडी 10% करीब पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक मैं वापस इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कंटिन्यू भाग ही रहा है। तो एक बार जब ये डीप में जाएगा कोशिश करूंगा कि मैं तब थोड़ा ले लूँ इसको। और कल का प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो टोटल जो कल मेरा नेगेटिव में था, लेकिन आज अगर देखोगे तो करीबन 250-80 रुपीज आ चुके हैं। ये केवल इक्विटी का प्रॉफिट एंड लॉस है, डिविडेंड जो मुझे आ रहे हैं मेरे शेयर से वो अलग है। तो अप्रोक्सीमेटली ये डिविडेंड नेट प्रॉफिट लॉस 280 का है, 1.27 टोटल लॉस है मेरे पोर्टफोलियो में। बट ये कोई मैटर नहीं करता है ज्यादा जब तक आप निगेटिव में सेल बेचते नहीं हो। तो ये है, अब देखते हैं कि हम अगले 10 दिनों में कितना इसको लेके जाते हैं। टारगेट मेरा हमेशा 30,000 रहता है कि 30,000 तक अप्रोक्सीमेटली मैं इसमें ये इसको ला सकूँ। ठीक है, मई एंड जून जुलाई में काफी कुछ ऊपर नीचे हुए हैं चीजें, तो जिसके कारण है अभी प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हम लोग उसको देख सकते हैं। और मैं आपको बस एक ही चीज दिखाना चाहूंगा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ये 7.9% पे निगेटिव था, मेरा टोटल पोर्टफोलियो 7.9% था। लेकिन अगर आप आज देखेंगे आज के टाइम पे ये पोर्टफोलियो का सेम पोर्टफोलियो आज -1.673 है, यानी 22 दिन में मैंने टोटल पोर्टफोलियो को 6% तक का रिकवर किया है, 6% रिकवर किया है। और उसमें से भी 5-6 शेयर्स ऐसे हैं, देखिए इसको आप 10% लेना चाहोगे लेके जाना चाहोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कुछ शेयर नीचे जाएंगे कुछ ऊपर जाएंगे। बट हमारा टारगेट ये है कि हम लोग 10% कमाएं और ये 10% ये शेयर दे भी रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे जो सबसे पहले लिया था उसमें से चार शेयर, पांच में से जो फाइव शेयर्स थे उसमें से तीन शेयर ऑलरेडी 10% अचीव कर चुके हैं। अब बचे हैं दो शेयर 7.73 पे और ग्लास्को है। ग्लास्को भी जो निगेटिव था अब वो पॉजिटिव के तरफ रुख कर चुका है, काफी क्लोज आ चुका है, मतलब काफी क्लोज नहीं बोलूंगा बट 10% के करीब अब वो पॉजिटिव में आ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन है और कोशिश करेंगे खत्म कर लें। और उसके बाद अब अगर आप देखें जैसे ONGC आज मैंने लिया, ONGC आज 15% बढ़ा है, तो यहाँ ये बहुत ज्यादा था ना, 15-20% के करीब निगेटिव था। तो अभी ये है, ये सेकेंड वीक का उतना अच्छा नहीं है अभी तक परफॉर्मेंस, सेकेंड वीक के रिलायंस और ONGC को छोड़ दो, आइडिया को छोड़ दो, तो बाकी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो देखते हैं कि सेकेंड वीक के भी क्लोज होने लगे हैं, लेकिन उसके बाद अब देखो तो एशियन पेंट ये चौथे वीक तीसरे वीक में भी क्लोज हो गया, इंडस टावर फटाक से क्लोज हो गया, एशियन पेंट क्लोज हो गया, 10% बैंक ऑफ बड़ौदा क्लोज हो गया जो थर्ड या फोर्थ वीक में आया था। तो ये भी चांसेस है कि ये धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे और आगे हो सकता है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज GMM पी फोडलर जैसे है निगेटिव में, 37 पे है GMM पे फोडलर और मेरा है कौन सा था दो हिंडालको। तो मैं देखूंगा आज दिन में एक बार शायद इनको इनमें से कुछ शेयर खरीदूंगा मैं कुछ। अगर आप GMM पी फोडलर खरीदूंगा तो मैं एक ही शेयर खरीदूंगा क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है, तो बेटर है कि मैं इसको ले आऊं और यहाँ पे डाल दूं। और हिंडालको भी देखूंगा कि 1,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकूं मैक्सिमम, तो इन दोनों में से कोई एक शेयर मैं जरूर कर दूंगा। अभी हम लोग चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, किसी भी एक शेयर को उठाते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें से उठाएंगे। करेक्ट, ONGC देख लें एक बार फिर से, ONGC देख लेते हैं एक बार। ONGC का हम लोग जाते हैं फंडामेंटल्स में, नीचे फंडामेंटल्स रहेगा आपको, आपके मेरी स्क्रीन में आया नहीं होगा तो आप उसको कर सकते हैं। ONGC को देखते हैं, इनका CAGR आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, 12.63 का है। 1 month का रिटर्न इनका नेगेटिव है बट 1 year का रिटर्न इनका 11.61 है। तो यानी इन्होंने काफी बुरा परफॉर्म किया है बीच में, लेकिन मेरा टारगेट इसको 10% प्रॉफिट करना है विदिन 300 डेज में। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ONGC में चल क्या रहा है। तो आज देखिए मैं 5% जब मैंने बाई किया था तो 5% चल रहा था, अब ये 6% करीब बढ़ गया है एक ही दिन में। साथ में इंट्रिंसिक वैल्यू ROE वर्सेस FD से बेटर रिटर्न देगा, डिविडेंड ऑलरेडी है, एंट्री पॉइंट और सब ग्रीन दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बाई ऑप्शन है आज के टाइम पे। वन डे का परफॉर्मेंस 4.3 है, 1 week का परफॉर्मेंस हम देखेंगे, अगर इसका 1 week का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये सेम ही है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे जस्ट गिरा और फिर अभी बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है।
वन मंथ का देखेंगे तो परफॉर्मेंस निगेटिव है, ठीक है। वन ईयर का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो मोस्टली ये यहाँ से कितने से शुरू हुआ था, जुलाई 21 में ये 112 से शुरू हुआ था और आज ये 127 के करीब, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बट देखिए फर्क कहाँ पड़ा है, 175, 180 तक यहाँ पहुंचा है, फिर यहाँ पे 170 तक पहुंचा, यहाँ पे 160 पहुंचा, यानी 160, 170, 180, फिर यहाँ पे 174, यहाँ पे फिर से 164, तो ये ऐसे ही बना रहा है। अभी ये क्या करेगा, यहाँ आज ऊपर गया है, ये वापस नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न देखो, ऊपर गया है, नीचे गया है, ऊपर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो इसको बेटर हम समझने की कोशिश करते हैं 5 ईयर्स हम मैक्सिमम से। तो यहाँ पे ये शुरू हुआ था 158 से, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर करते हुए नीचे गिरा, और जिसने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है, जिसने यहाँ पे मतलब खरीदा है, बाय किया, उनको प्रॉफिट हो गया। अभी इसका पैटर्न तो ये बता रहा है कि ये नीचे गिर के वापस ऊपर जाएगा, और जो हमने वन मंथ का देखा उसके हिसाब से लग रहा है कि ये ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे गिरेगा, यानी कल के चांसेस इसके निगेटिव आने के हैं। और मैक्सिमम देखें तो 142 रुपए से शुरू हुआ था और 127 दिया है, यानी 189, 200% करीब इसने रिटर्न दिया है हमें। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे इसको यहाँ पे खरीदा होता तो उसको ज्यादा ही 300% करीब रिटर्न था। तो चलिए SIP अगर आपने लगाई होती तो क्या परफॉर्मेंस होता, अगर आपने इसमें SIP लगाई होती तो आपको यहाँ तक तो इसका प्रॉफिट ही नहीं मिलता, 4,800 का 4,300 होता। प्रॉफिट मिला है आपको जनवरी 31 में, जहां पे 5,400 आपका बना है 7,500, ठीक है। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो इसका 6,000, 6,022 के, यानी अगर आपने अगस्त 2017 में इसमें SIP लगाई होती 100 रुपए की भी, तो आज के टाइम पे भी आपके SIP जितने इन्वेस्टमेंट था उतना ही आपका ये बनता। तो मैं ये SIP को निगेटिव नहीं बोलता हूँ, बट अगर आप आधे घंटे निकाल सकते हैं तो रोज आप इक्विटी खरीदने की कोशिश कीजिए। आपके जो शेयर है, जैसे शीट बनाई हुई, आप उसको कॉपी भी कर सकते हैं सेम शीट को, और उसके हिसाब से आप बाय कीजिए, जो निगेटिव स्टॉक है उनको ऐड कीजिए, जो आपको सही लगते हैं उनको ऐड कीजिए, तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। तो ONGC का देख लिया है हमने सब, नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो अभी हम चलते हैं इनके पीर्स पे, इनके भाई कॉम्पिटिटर, इनके दोस्त यार कौन है जिनके साथ हम लोग देख इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो एशियन एनर्जी सर्विसेज है, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, इन दोनों के स्टॉक मेरे पास हैं, मैंने बाकी कुछ नहीं। डिविडेंड ये काफी अच्छा देते हैं इसलिए मैंने इनको खरीदा भी है, और ये बहुत फर्क डालता है, डिविडेंड बहुत फर्क डालता है, क्योंकि आपको रेगुलर एक इनकम आती रहती है, एक रेगुलर इनकम आती रहती है, आपके शेयर का परफॉर्मेंस कुछ भी हो तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पर शेयर वो पैसा दिया जाता है। तो आपके पास एक शेयर है या 10 शेयर है या 100 शेयर है या 1,000 है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास पैसे कितने हैं। और होल्डिंग्स में अभी हम देखेंगे इनकी होल्डिंग्स में, तो म्यूचुअल फंड्स टोटल प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो थोड़ा सा करीब 0.02% बहुत ही कम होता है। म्यूचुअल फंड्स में अच्छा खासा, म्यूचुअल फंड ने काफी पॉजिटिव दिखाया है, म्यूचुअल फंड इनमें काफी इन्वेस्ट कर रहा है। अदर डोमेस्टिक में देखेंगे तो ये भी ग्रो किया है, और साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का देखेंगे तो 9.91 से 9.97 थोड़ा सा ग्रो है, बहुत बट मार्जिनल है, आप उसको यस और नो में नहीं बोल सकते। रिटेल का घटा है क्योंकि लोग एक दिन में पैसा कमाना चाहते हैं, तो ONGC वैसा परफॉर्म नहीं करता, बट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 वीक में उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अच्छा देगा ही, और आप जरूर लीजिए, ये पोर्टफोलियो में ऐड करने लायक शेयर है, ऐसा बुरा नहीं है। फोरकास्ट चल रही देखते हैं कि लोग क्या बोलते हैं, 70% 23 एनालिस्ट ने इसको यस बोला है खरीदने के लिए, 70% पॉजिटिव दिया है, साथ में 23+1 हो जाता हूँ हमारा चैनल, जिसने हम लोग भी यही रिकमेंड कर रहे हैं कि ONGC लीजिए। रिकमेंड क्या कर रहे हैं, हमने तो बाई कर लिया है, हमने बाई करके ही आपको दे दिया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सब टेक्निकल एनालिसिस ठीक लगे होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट लगता है, मैं फास्ट जा रहा हूँ, मैं स्लो जा रहा हूँ, मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बताइए, हम लोग जरूर उस पॉइंट पर वर्क करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके वैल्यूबल टाइम के लिए, और हम लोग मिलते रहेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आज के 5 शेयर थे, आप जिसके चाहें तो इन 5 शेयर को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।